चंदौसी के देवरखेड़ा में महाराणा प्रताप की जयंती पर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा की ओर से कवि सम्मेलन और विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय महासचिव विजय वीर सिंह चौहान, भाजपा युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर विशाल चौहान, भाजपा जिला उपाध्यक्ष मनोज कठेरिया और जिला पंचायत सदस्य अवधेश प्रताप सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान इटावा मैनपुरी से पहुंची वीर रस की कवित्री समीक्षा सिंह जादौन ने महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी हुई कविताओं का पाठ करके युवाओं में उत्साह और जोश भरने का काम किया। वहीं डॉक्टर सौरभ कांत शर्मा ने राष्ट्रभक्ति की गीत सुनाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया, जबकि बदायूं से पहुंची कवित्री वेद ऋचा माथुर ने गीत और गजल के माध्यम से खूब तालियां बटोरी। इनके अलावा चंदौसी के कवि सुखपाल सिंह गौर ने महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़ी घटनाओं पर आधारित कविताओं का पाठ किया। कार्यक्रम के अंत में सभी कवियों और अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। जाति क्षत्रिय हमेशा से जो कर्तव्य है वो यही है कि समाज की रक्षा करनी, क्षति से रक्षा करना है, वो क्षत्रिय होता है और उसी भूमिका में पुनः लौटना है। आज की सभा का क्या मुख्य उद्देश्य रहा? मुख्य उद्देश्य यही था कि अपने समाज को जागृत करिए और समस्त सनातनी भाइयों की सुरक्षा के लिए सभी एक हो जाए। मुख्य उद्देश्य हमारा संगठन को मजबूत करना। आज हमारे महाराणा प्रताप जयंती हमने मनाई, मूर्ति माल्यार्पण किया गया, उसके बाद यहाँ आके अपने आपस में संगठन की बात की गई, तब सम्मेलन कर्म किया गया, आगे भविष्य में सहयोग के लिए संगठन को मजबूत करें, यही एक भावना रही। आज युवा वर्ग का बहुत सहयोग रहा, अधिकतर हमारी संख्या युवा वर्ग की रही, धन्यवाद के पात्र। कोई सर क्षत्रिय बंधु को संदेश देना चाहते हैं? क्षत्रिय बंधु को यही एक संदेश है कि सभी लोग आपस में लड़ें, संगठित रहें, द्वेष भावना न रखें, सब मिलकर मिलजुल के काम करें।